श्री रामचंद्र जी के, रामलला जी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। जब वहाँ से बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूं। तो जब मैं दिल्ली लौटा तो हम लोगों ने, हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, हमने आते ही उसमें अयोध्या, उसमें 12 जगह हैं जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उस योजना में 12 स्थान हैं जिसमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक स्थान चूज कर सकता है, जो उसमें हम पुरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारका ले जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ, सब जगह ले जाते हैं। तो उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी अलाउड है। तो उनके आने का जाने का एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, अच्छे होटल में, वहाँ पे सारा लोकल ट्रांसपोर्ट, खाना पीना सब कुछ सरकार बेयर करती है। अभी तक 36,000 से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो अब अयोध्या भी उसमें हमने ऐड किया था कि अयोध्या भी जा सकते हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप हमारी जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो जो लोग जाना चाहते हैं, इसकी चिंता मत करना कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप रह जाओगे। एक एक को, हर एक को मैं दर्शन करा के लाऊंगा। तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, जो और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे, हफ्ते भर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन। तो लेके सबको जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो सब लोग अप्लाई करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए जाएं। और अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनकी डिमांड थी कि उनका कोई तीर्थ स्थान इस लिस्ट में नहीं है, तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलंकनी चर्च, वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन भाई, वेलंकनी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं जल्दी। और वो भी अपने मर्जी के मुताबिक तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। तो आप सब लोग, जो जो लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, सबकी यात्रा शुभ हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो और सबको बहुत लाभ मिले, आप भगवान का आशीर्वाद मिले, सब लोग खुश रहें, भगवान की कृपा से सब लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।